Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मून की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में हो एरीज असेंडेंट के चार्ट में तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एरीज लगन में मून जो है वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और अगर उसकी प्लेसमेंट थर्ड हाउस में आ जाती है तो डेफिनेटली हमें कुछ अलग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे करेज को, हमारे इनिशिएटिव को, हमारी ब्रेवरी को, हमारे एक्शंस को। ये पराक्रम का घर है और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल को। कम्युनिकेशन माने कोई भी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जब हम किसी से टेलीफोन से बात करते हैं तो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम किसी से पर्सनली बात करते हैं दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम जो है किसी से मीडिया पे बात करते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, दिस इज़ ऑल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आल्सो इंक्लूड टेलीग्राफी, कम्युनिकेशन आल्सो इंक्लूड आर जितने भी हमारी मेल्स होती हैं जो हम अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को यूज़ करके मेल्स लोगों को लिखते हैं और या उनसे मेल्स हम रिसीव करते हैं, दिस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है एंड साइनेज कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जो नॉर्मली जो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं कुछ जो है साइंस दे के, दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हाउस जो है कहीं ना कहीं हर तरह की कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों आगे देखें तो ये हाउस हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग का भी हाउस है, यानी कि हम जो भी डे टू डे लाइफ में अगर हम सेल्स एक्टिविटी में हैं या मार्केटिंग एक्टिविटी में हैं तो उस हाउस को, उस हमारी एक्टिविटीज़ को भी ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। और आगे देखते हैं दोस्तों ये हाउस जो है हमारे शॉर्ट ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट ट्रैवल्स माने जब हम कहीं पर नौकरी करने जा रहे हैं या अपने बिजनेस पे जा रहे हैं या हम इधर उधर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं और या किसी काम से जा रहे हैं, कोई ना कोई हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे गोल्स होते हैं या एक्टिविटीज़ होते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी शॉर्ट कम्युनिकेशन है वो भी हम इसी हाउस से ही देखते हैं। और फिर ये हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स को भी बिलोंग करता है, इट आल्सो रिप्रेजेंट आर यंगर सिबलिंग्स स्पेशली। और दोस्तों अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को देखें तो ये हाउस हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो है आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है या हमारी जो ब्रीदिंग की जो ये नाली है, कैनाल है, इसको रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे लंग्स के ऊपर का हिस्सा है उसको यही हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये बॉडी के पार्ट्स यही रिप्रेजेंट करता है और पर्टिकुलरली इस हाउस से हम राइट साइड ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स ज़्यादा देखते हैं। और दोस्तों ये हाउस हमारी आर्ट एंड क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है और मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिलोंग टू आर कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पर राइटिंग या स्पोकन जो कम्युनिकेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इसका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं हमारे जो
पोइट्स हैं या आर्टिस्ट हैं या जो कहीं ना कहीं लिखने का काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह के साथ लगे हुए हैं वो लोग, या शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इसी हाउस से या इस हाउस के पावरफुल होने से ही मतलब उनका यहाँ से कैरियर निकलता है। और आगे देखें तो ये हाउस जो है हमारे आर्ट क्रिएटिविटी में हमारी, क्योंकि कम्युनिकेशन का रिलेशन हमारी सिंगिंग से भी है, आर्ट और सिंगिंग को अगर हम मिला दें तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी स्वीट कम्युनिकेशन, तो हमारी सिंगिंग से है और हमारी फिजिकल एफर्ट्स में डांस आता है, आर्टिस्टिक परस्यूट्स जो है डांस की तरफ भी यहाँ से ले जाते हैं, या राइटिंग की तरफ या पोइट्री की तरफ या शॉर्ट स्टोरीज राइट, आई मीन ये जितने भी आर्ट एंड क्रिएटिविटी परस्यूट्स हैं, चाहे मॉडलिंग क्यों ना हो, वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का रिलेशन कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग से है, मीडिया से है। ये हाउस जो है ना एक फिफ्थ हाउस का आप ये लगा लो शॉर्ट वर्जन है, छोटा घर है फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ हाउस से हम सिनेमा देखते हैं और बड़ी कलाएं देखते हैं, बड़ी आर्ट एंड क्रिएटिविटी, एक लार्ज स्टेज देखते हैं वहाँ से, यहाँ से हम एक छोटी स्टेज देखते हैं और ये उसका एक यूं समझ लो कि उसी का ही हिस्सा है ये। तो दोस्तों अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून है, मून इज़ आर माइंड, और फोर्थ हाउस से हमें जो है ना हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कन्वीनियंसेस देखते हैं, व्हीकल्स देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, एंड डेफिनेटली फोर्थ हाउस से हम एक मदरली न्यूरिशमेंट देखते हैं, माँ का घर है, हमारे जो नेटिव प्लेस को देखते हैं, बर्थ प्लेस को देखते हैं, या हम उन लोगों को देखते हैं जो बचपन से ही हमारे साथ रहे हैं और हमें जानते हैं, एंड फोर्थ हाउस से हम लोकल गवर्नमेंट को भी देखते हैं। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर इस घर में आ जाता है तो डेफिनेटली वी हैव टू मर्ज द एनर्जी ऑफ फोर्थ हाउस इन टू थर्ड हाउस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्थ हाउस क्या है। फोर्थ हाउस इज़ आर माइंड, मून इज़ आर माइंड। अगर माइंड हमारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के घर में आ गया तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे, वील बी ए गुड कम्युनिकेटर। मून से एक स्वीटनेस देखते हैं हम, और हमारे कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं स्वीटनेस होगी, मिठास होगी, सॉफ्टनेस होगी, टेंडरनेस होगी, तो हम बात बात बहुत करेंगे। और जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो भी बुध है, और बुध भी आपको पता ही है, बुध इज़ ए लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, एंड बुध इज़ ए लॉर्ड ऑफ लॉजिकल आई मीन कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग एंड एवरीथिंग, और हमारी बुद्धि का कारक भी है बुध जो है, तो दोनों ही चीज़ें मैच कर रही हैं, लेकिन इस हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो मंगल है, मार्स है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मून आ जाए तो इंसान बहुत ही कम्युनिकेटर या टॉकेटिव हो जाएगा और बहुत बात करेगा और उसकी कम्युनिकेशन में एक करेज होगा। आई मीन दिस इज़ ए हाउस ऑफ संघर्ष आल्सो, करेज आल्सो। हिज कम्युनिकेशन विल बी वेरी इम्प्रेसिव, वेरी स्वीट, वेरी करेजियस, एंड ही बी एबल टू अट्रैक्ट द पीपल विद हिज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन उसकी बहुत पावरफुल हो जाएगी या मून की, एंड ही लाइक टू कम्युनिकेट ईच एंड एवरीथिंग। आपने मीडिया में देखा है कि कुछ हमारे जो एंकर्स हैं वो कम्युनिकेशन में कितनी फास्ट होते हैं, उनका माइंड हमेशा इस तरीके से चलता है जैसे कोई मशीन चलती है, एंड दे कैन कम्युनिकेट आई मीन बैक टू बैक एंड रियली इन्फ्लुएंस अस वेरी मच। वेन एवर वी लिसन टू दैम देयर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पैक्टिंग, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। तो वो क्या है, वो थर्ड हाउस का इम्पैक्ट ही है। तो दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन में एक जो है ना करेज भी आएगा, मिठास भी रहेगी, और बड़ा इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन में यहाँ पर नेटिव होगा जिसका भी हम चार्ट देख रहे हैं।
और उसकी लाइफ में शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत होंगी एंड ही विल डेफिनेटली लाइक शॉर्ट ट्रैवल्स, यहाँ वहाँ भागना ये वो सब कुछ उसकी लाइफ में चलेगा। अगर उसकी नौकरी भी है तो कहीं ना कहीं 20-30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही होगी। अगर कोई उसका बिजनेस है तो डेफिनेटली ही विल हैव टू ट्रैवल फॉर सर्टेन, आई मीन माइल्स और किलोमीटर्स टू डू हिज बिजनेस। एंड आगे देखा जाए तो यहाँ पर जो उसकी मदर होगी वो भी कहीं ना कहीं बोल्ड लेडी ही होगी और मेहनत करने वाली लेडी होगी उसकी मदर। लेकिन यहाँ मून हमारी इमोशन से भी कनेक्ट करता है, यहाँ पर हमारी इमोशंस जो है एट पीस नहीं होंगी। वो अब ये मार्केट का प्लेस है, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, भाग दौड़ ये वो सब यहाँ पर हैसल्स हैं और यहाँ पर हमारी इमोशंस आ गई हैं, तो आर इमोशंस वुड बी समवाट नॉट एट पीस। कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस जो है वो ऊपर नीचे रहेंगी और हमें खुशी तभी मिलेगी जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं, तब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, घर से बाहर भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी को नहीं कहीं पर शो कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा मन और उदास रहेगा, हमारा मन खराब ही रहेगा। और दोस्तों फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम देखते हैं अपनी कन्वीनियंसेस। और ये जो घर है ये स्ट्रगल का घर है, यहाँ पर आपको अपनी कन्वीनियंसेस लेने में, अपना घर बनाने में, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, अपनी गाड़ी लेने में आपको एक संघर्ष में से निकलना ही पड़ेगा। आप उस संघर्ष में से निकल के ही इन चीजों को जुटा पाएंगे लाइफ में। और फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम ये देखते हैं कि हमारी जो मदर की न्यूरिशमेंट कैसी है। तो हमारी मदर की लाइफ में यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रगल ही रहा होगा, संघर्ष ही रहा होगा। और यहाँ पर अगर कोई मैलिफिक प्लानेट है तो हमारी मदर की हेल्थ भी खराब रह सकती है और हमें कहीं ना कहीं कोल्ड कफ, कंजेशन वगैरह की शिकायतें भी रह सकती हैं। और यहाँ पर इंसान में अगर कोई आर्ट है तो डेफिनेटली ही कैन शाइन इन हिज आर्ट। और यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्ट तो ऐसा देखा गया है कि इंसान में होती है। यहाँ पर इंसान राइटिंग में एक्सेल कर सकता है, यहाँ पर इंसान कहीं डांस में, म्यूजिक में या कोई परफॉर्मिंग आर्ट में भी क्रिएट कर सकता है, वो फेमस हो सकता है, उसको नेम फेम सब मिल सकती है। यहाँ पर जो भी इंसान होगा उसकी जो डे टू डे लाइफ में ट्रैवल ज़्यादा होंगी, कम्युनिकेशन बहुत होगा। जिस भी वो प्रोफाइल में होगा उसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग हो सकती है एंड शॉर्ट ट्रेवल्स का इंक्लूजन डेफिनेटली हो सकता है। और यहाँ जो फोर्थ हाउस हमारी एक इंटरनल हैप्पीनेस का हाउस है, यहाँ पर इंटरनल हैप्पीनेस में थोड़ी डेफिशिएंसी रहने का योग बनता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है पराक्रम का घर है और इंटरनल हैप्पीनेस में अगर पराक्रम को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें डेफिशिएंसी होने का योग बनता है। और हम थर्ड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से हम यंगर सिबलिंग्स देखते हैं। हमारा मन तो डेफिनेटली यंगर सिबलिंग्स में रहेगा क्योंकि मून जो है वो बुध से उसकी एनिमिटी नहीं है लेकिन बुध देव की मून से एनिमिटी है। हमारा तो यंगर सिबलिंग्स में मन रहेगा, अटैचमेंट रहेगी, लेकिन हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं हो सकता है उनका जो नज़रिया हमारे प्रति है वो ज़्यादा अच्छा ना हो या उनको हमारे से उतनी अटैचमेंट ना हो जितनी हमें उनसे अटैचमेंट रहेगी। और ये दर्शाता है हमारे संघर्ष को, तो हमारी लाइफ में यहाँ पर संघर्ष बढ़ जाएगा और एक लंबे संघर्ष के बाद ही हमारे को चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर सुख सुविधाएं मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर बैठे हुए मून की दृष्टि 9th हाउस पे है और 9th हाउस हमारे डेस्टिनी का घर है, फॉर्चून का घर है, हमारी फॉरेन ट्रैवल्स का घर है, हायर एजुकेशन का घर है और हमारे गुरु का घर है, फादर का घर है। तो कहीं ना कहीं
मून की अगर आस्पेक्ट 9th हाउस पे यहाँ से रहेगी तो हमारी लाइफ में लॉन्ग ट्रेवल्स का भी योग बनता है, फॉरेन कंट्रीज के ट्रिप्स का भी योग बनता है, हमारे वर्क प्रोफाइल में हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेवल्स में भी जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारी जो फादर है उससे डेफिनेटली हमारी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, एंड वी कैन ऑल्सो बी रिलीजियस माइंडेड, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर राशि गुरु की है और उधर चंद्रदेव पड़े हुए हैं, तो दोनों में फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो हमारी लॉन्ग ट्रेवल्स के साथ साथ हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स के साथ साथ हमारी लॉन्ग ट्रेवल्स का भी योग बनता है, पिता से बनने का योग बनता है, धार्मिक होने का योग बनता है, और हम कहीं ना कहीं अपने गुरु में और धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखेंगे, एंड रिलीजियस श्राइन्स वगैरह को हम विजिट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में हम रिलीजियस श्राइन्स के लिए जा सकते हैं, और ये हमारी फॉर्चून का घर है। तो हमारी फॉर्चून जो है डेफिनेटली एक संघर्ष के बाद ही हमें सपोर्ट करेगी, या यूँ कहना चाहिए शाइन करेगी हमारी लाइफ में, और एक लंबे संघर्ष के बाद अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स दशा अंतर दशा वी कैन सी दैट व्हेन आई मीन वी वी विल रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ आर हार्ड वर्क व्हेन आई मीन मून आस्पेक्ट 9th हाउस इन द एरीज लग्ना चार्ट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें डेफिनेटली मिलेंगी, और अब हम देख लेते हैं कि मून यहाँ पर किस किस नक्षत्र में पॉसिबली प्लेस्ड होगा। पहला नक्षत्र जो हमने कल छोड़ा था वो मृगशिरा था, तो यहाँ पर दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र 6.4 डिग्री तक फैला हुआ है, और वो सेकंड साइन से टॉरस साइन से ही आता है। तो अगर हम इस हाउस की बात करें तो 0 से लेके 6.4 डिग्री तक यह मृगशिरा नक्षत्र है मंगल देव का, और यहाँ पर मून जो है डेफिनेटली कंफर्टेबल है और अच्छे रिजल्ट्स देगा। मंगल देव की प्लेसमेंट आपको ये बता सकती है कि रिजल्ट्स में कितनी डेफिशिएंसी रहेगी, हार्डशिप कितनी रहेगी, या चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, तो राहु के नक्षत्र में मून जो है काफ़ी रेस्टलेस फील करता है, राहु और मून की बिल्कुल नहीं बनती, दे आर बिटर एनिमीज, और राहु एक बहुत ही वायलेंट एनर्जी है, बहुत ही फास्ट एनर्जी है, एंड मून इज़ ए वेरी सॉफ्ट एंड ए टेंडर एनर्जी। तो कहीं मून अगर राहु के नक्षत्र में होगा तो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, और हमारी पीस ऑफ माइंड जो है वो एट स्टेक रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, और हमारे मन में कोई भी चीज़ आएगी हम कैरिड अवे हो जाएंगे उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर राहु की एनर्जी इज़ नॉट वेरी वेरी आई मीन फेवरेबल। तो यहाँ फिर भी राहु की प्लेसमेंट हमें ज़्यादा बताएगी कि यहाँ से हम किस तरह के रिजल्ट्स रीप करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि राहु के नक्षत्र में मून परफॉर्म नहीं करेगा, अगर राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और राहु जो है मटेरियलिस्टिक गेन्स के पीछे बहुत ही ऑब्सेस्ड रहता है, तो राहु में एक खास बात ये पाई जाती है कि जिस भी घर में वो बैठ जाए वहाँ से कुछ ना कुछ वो बेनिफिट्स और गेन्स और वो सारी चीज़ें निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है। तो इसलिए यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट हमें बताएगी कि हमें मून किस तरह के रिजल्ट्स देगा। और राहु की जो नक्षत्र में है मून वो 6.4 से 20 डिग्री तक मिलेगा यहाँ पर, और 20 डिग्री से फिर सारा जो है ना नक्षत्र गुरुदेव का फैला हुआ है, पुनर्वासु नक्षत्र है, पुनर्वासु नक्षत्र में मून इज़ वेरी कंफर्टेबल, और पुनर्वासु नक्षत्र में गुरुदेव की प्लेसमेंट से हम इजीली देख सकते हैं कि चंद्र हमें किस तरह के रिजल्ट्स देगा। यहाँ ऐसा माना जाता है कि चंद्र अच्छे ही रिजल्ट्स देता है, लेकिन फिर भी गुरुदेव की प्लेसमेंट देखना ज़रूर यहाँ पर हमें ज़रूरी चाहिए। एंड दोस्तों ये सारी डिस्कशन आज की थी मून की प्लेसमेंट 3rd हाउस में एरीज लगन में। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माई डिस्कशन एंड यू आर गेटिंग सम बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस डिस्कशन, एंड इफ यू रियली लाइक माई दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट ऑल माई रिलीज्ड वीडियोज़ कम टू यू विदाउट एनी डिले। एंड एज यूजल माई नंबर इज 9899105355। इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी जस्ट डायल दिस नंबर एंड हैव ए वॉट।
So thank you very much for watching this video. Have a good time. Bye bye.